Hello dear viewers, welcome to Optics Technologies YouTube channel. आज हम एक comparison करने लगे हैं जो कि है हमारा इन दो kits का जो आप सामने देख रहे हैं और ये वाली जो kit है ये recently अभी prepare की थी आपने देखी होगी last video में ये वाली kit prepare की थी जो कि है TDA7294 integrated circuit based single IC based ये circuit है हमारे पास और जो दूसरा circuit है ये हमने अभी कुछ दिन पहले इसको जो है वो प्रिपेयर किया था और ये है बेस्ड ऑन 2SC5200 और 2SC1943 काफ़ी फेमस सर्किट है इस वक्त ये YouTube के ऊपर तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कंपेयर करूँगा इन दोनों किट्स को और इस कंपैरिजन में मैं एक एक चीज़ आपको बताऊँगा ठीक है इसमें हम इसकी पावर की बात भी करेंगे और इसमें मैं ये भी आपको बताऊँगा बल्कि आप पे फैसला छोड़ दूंगा कि इनमें से कौन सी जो किट है वो आप प्रेफर करेंगे यूज़ करने के लिए और अपना भी बताऊंगा अगर मैंने यूज़ करनी हो इन दोनों में से कोई एक मैंने अगर किट चूज़ करनी होगी तो मैं कौन से किट को चूज़ करूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आता हूं जी इस किट के ऊपर तो इस किट की अगर मैं बात करूँगा तो इसकी यहाँ पर सप्लाई आप देख सकते हैं वैसे तो इन दोनों की सप्लाई बिल्कुल सेम है सप्लाई के जो सर्किट्स हैं वो दोनों सेम डिज़ाइन किए हुए मैंने और अगर यहाँ पे कैपेसिटर्स की बात करूँगा मैं तो यहाँ पे मैंने 10,000 UF का यूज़ किया हुआ है वैसे तो आप यहाँ पे भी 10,000 का यूज़ कर सकते हैं मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं वो यूज़ नहीं किया तो यहाँ पे मैंने 4700 UF का यूज़ किया बट इट डजेंट मैटर इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता इस किट की मैं बात कर रहा था तो ये है गाइस ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट और जहाँ तक साउंड क्लैरिटी की बात है तो इस किट की साउंड क्लैरिटी वगैरह भी आपने टेस्ट की हुई अगर आपने इसको प्रिपेयर किया है तो वैसे भी वीडियोस में आपने देखा होगा कि साउंड इसका काफ़ी क्लियर होता है और नॉइज़ कोई भी नहीं होती इसके अंदर नॉइज़ तो वैसे इस किट के अंदर भी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी बट अगर मैं क्वालिटी को कंपेयर करूँगा इस किट की और इस TDA7294 इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड जो हमारे पास किट है तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है यानी कि हमारे पास जो 7294 की जो साउंड क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू दिस वन क्योंकि जो ये है हमारे पास आईसी इसके अंदर ही सब यानी कि इट्स अ कंप्लीट पैकेज जहाँ तक इसकी बात होती है ट्रांजिस्टर की तो ये कॉम्बिनेशन किया हुआ होता है ठीक है आउटर कॉम्बिनेशन किया हुआ होता है छोटे ट्रांजिस्टर्स का पहले प्री स्टेज होती है उसके बाद फिर हमारी जो है वो पावर स्टेज आती है तो ये जो कंपेरिजन ये इंजीनियर्स ने किया होता है जैसे यहाँ पर मैंने किया था जब डिज़ाइन करते हुए तो इसको मैच होना पड़ता है इसकी जो प्री स्टेज है उसको आउटर स्टेज के साथ यानी कि जो हमारी पावर स्टेज है प्री स्टेज को पावर स्टेज के साथ कंपैरिजन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हमें साउंड मिलेगा जो है वो और जहाँ तक इसकी बात होती है तो ये एक जो आप आईसी है बेशक वो यही वाला हो या कोई भी हो आईसी का फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जो प्री स्टेज होती है और इसके अंदर जो होती है हमारी एम्पलीफाइंग स्टेज होती है वो बिल्ट इन ही होती है और ये सदा अच्छी तरह से इंजीनियर्ड होता है हमारा जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है इसलिए आमतौर पे इंटीग्रेटेड सर्किट की जो साउंड क्वालिटी होती है वो अमूमन अच्छी होती है वोल्टेज की बात नहीं यहाँ पे हो रही इस वक्त यहाँ पे बात हो रही है साउंड क्वालिटी की जो उसमें साउंड प्योरिफिकेशन होती है वो हमारे जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं जो अच्छे वाले इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं जिसमें हमारा जो TDA7294 है इट्स वन ऑफ द ग्रेट इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी यूज़ होता है तो साउंड क्वालिटी इस वाले किट की हमें ज़्यादा अच्छी मिलती है सुनने को और अगर पावर की बात की जाए तो ऑलमोस्ट जो पावर है इन दोनों सर्किट्स की वो सेम है बट जो ट्रांजिस्टर बेस्ड किट है इसकी जो पावर है वो कुछ ज़्यादा है हमारे इस वाले आईसी बेस्ड यानी कि 7294 का जो हमारे पास सर्किट है उसकी पावर एज़ कम्पेयर टू हमारा 2SC5200 और 1943 के इसकी पावर थोड़ी सी कम है ये मैं सिंगल आईसी सर्किट की बात कर रहा हूँ हम ब्रिज की बात नहीं कर रहे क्योंकि ब्रिज की पावर तो इस सर्किट से काफ़ी ज़्यादा है तो इस वाले जो सर्किट है हमारे पास ये वाला जो ट्रांजिस्टर बेस्ड है इसकी जो हमें पावर मिलती है प्रैक्टिकल पावर जो होती है वो मिलती है 150 से लेके मैक्सिमम 180 से 200 वाट्स तक और हमें जो इसकी पावर मिलती है वो हमें मिलती है 100 वाट्स से मैक्सिमम जो ये पीक मारता है मैक्सिमम जो ये हमें पीक प्रोवाइड करता है वो होती है जी 120 वाट्स तक ठीक है लेकिन साउंड क्वालिटी का मैंने आपको बता दिया है कि साउंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हमारे पास इसकी है
अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हर ट्रांजिस्टर सर्किट के अंदर ही जो है वो साउंड क्वालिटी पे फ़र्क होता है, मतलब कि इस वक्त जितने भी ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट्स हैं इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनका साउंड जो है वो अच्छा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू आईसीज़। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ जो कि डिज़ाइन मैंने अभी अपने चैनल के ऊपर किए हैं, जो कि डिज़ाइन जिनके ऊपर मैं काम कर चुका हूँ। जो आप इस वक्त सामने सर्किट्स देख रहे हैं मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ, इनके साउंड को मैंने टेस्ट किया है तो उसकी बेस के ऊपर मैं आपको जो मैंने रिजल्ट्स देखे थे मैं आपसे वो वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा गाइस किट का आप साइज़ भी देख सकते हैं, जो ट्रांजिस्टर बेस्ड किट है हमारे पास ये थोड़ी सी बड़ी है। और अगर आप वैसे भी देखेंगे आमतौर पर जो ट्रांजिस्टर बेस्ड हमारे सर्किट्स होते हैं वो ज़रा साइज़ में बड़े होते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ज़रा बड़े साइज़ के लगते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप रेजिस्टर्स देख रहे हैं यहाँ पर बड़े साइज़ के लगे हुए हैं। और आमतौर पर जो हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं उनके अंदर हम इस तरह के रेजिस्टर्स को कम ही देखते हैं, ठीक है। यानी कि ज़्यादा वोल्टेज वाले जो रेजिस्टर्स होते हैं उसमें आमतौर पर यूज़ नहीं होते, या तो SMD यूज़ होते हैं या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर हम क्वार्टर वॉट्स रेजिस्टर यूज़ करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सब जो रेजिस्टर्स हैं वो क्वार्टर वॉट यूज़ हुए हैं। और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी जो होते हैं वो आईसी बेस्ड जो हमारे पास जितने भी सर्किट्स हैं उनमें कम लगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट्स में। और दूसरी बात गाइस वो जो मेन बात है वो ये है कि जो आईसी बेस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स बेस्ड जो हमारे पास बोर्ड्स होते हैं वो होते हैं आमतौर पे लेटेस्ट, मींस के मॉडिफाइड डिज़ाइन होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो ये डिज़ाइन है ये पुराना डिज़ाइन है, ट्रांजिस्टर बेस्ड डिज़ाइन जो होता है ये काफ़ी पुराना डिज़ाइन होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो आईसी के डिज़ाइन होते हैं, क्योंकि आईसी जो टेक्नोलॉजी है एम्पलीफायर्स के केस में अगर हम बात करेंगे तो ये ट्रांजिस्टर्स के बाद आई थी, ट्रांजिस्टर्स तो वैक्यूम ट्यूब्स के बाद आ गए थे, तब आईसीज नहीं थे जो कि ऑडियो एप्लीकेशंस के लिए यूज़ हुआ करते थे, तो एक ये भी बात है, ठीक है। और इसके अलावा गाइस कोई इतना डिफरेंस नहीं है इनके अंदर, मेन डिफरेंस इतना कोई भी नहीं है। मैंने आपको जो छोटी सी बातें थी, कुछ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो गए, साउंड क्वालिटी हो गई, वॉटेज होगी, वो मैंने आपको बता दिया कि ये डिफरेंस होता है। और दूसरी बात जो गाइस आपको पता होनी चाहिए कि जो ट्रांजिस्टर बेस्ड हमारा सर्किट होता है ना ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता बिल्कुल भी वोल्टेज और एम्पेयर्स के ऊपर। इसको अगर ये एम्पेयर्स चाहिए मींस इसको लेट से कि इस सर्किट को 4 एम्पेयर्स चाहिए जो अच्छा वर्क करने के लिए, ठीक है। और अगर आप इस सर्किट को अगर रिक्वायर्ड है 4 एम्पेयर्स, लेकिन अगर आप इसको 2 एम्पेयर्स भी देते हैं और वोल्टेज भी अगर आप कम देते हैं तो ये फिर भी काम कर जाएगा, ये फिर भी आपको अच्छी क्वालिटी आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ये आपको मायूस नहीं करेगा। बट ट्रांजिस्टर्स को हर हाल के अंदर फुल एम्पेयर्स और फुल जो उनकी वोल्टेज होती है रिक्वायर्ड वो चाहिए होती है अच्छा परफॉर्म करने के लिए, वरना इसने हीटअप नहीं होना ट्रांजिस्टर ने आपके, और ये हीटअप नहीं होगा तो ये सही तरह से काम नहीं करेगा। हीटअप का मतलब ये नहीं है कि ये हीटअप होके जल जाएगा, बट हीटअप होने का मतलब ये होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम को कि जब वो ज़्यादा हीटअप हो रहा होता है तो इट मींस कि वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। जब आप मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा हीटअप होता है, तो ज़्यादा हीटअप होने का मतलब यह है कि वो ज़्यादा काम कर रहा है, मतलब कि ज़्यादा प्रोसेसिंग कर रहा है, उसके अंदर ज़्यादा एक आप कह सकते हैं कि उसके अंदर एक एबिलिटी है ज़्यादा काम करने की। ऑब्वियसली जब आप भी ज़्यादा काम करेंगे, इंसान भी ज़्यादा काम करते हैं तो हमें पसीने आने शुरू हो जाते हैं, तो ये एक एफिशिएंसी शो करती है, ठीक है। तो हीटअप ये अगर नहीं होगा आपका ट्रांजिस्टर सही तरह से, इसको करंट नहीं मिलेगा तो हीटअप नहीं होगा, और हीटअप नहीं होगा करंट नहीं मिलेगा तो ये सही तरह से परफॉर्म भी नहीं करेगा। बट जहाँ तक बात हमारे पास इस इंटीग्रेटेड सर्किट की है, यानी कि 7294 या किसी भी इंटीग्रेटेड सर्किट की है, तो वो कम वोल्टेज के अंदर भी उसके अंदर ये स्पेशलिटी होती है, ख़ास तौर पे इस सर्किट के अंदर 7294 की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर भी ये स्पेशलिटी है कि ये कम वोल्टेज और कम वोल्टेज में मीन्स के कम एम्पेयर्स के अंदर भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म हमें करके दे देता है। सो गाइस ये कुछ बातें थी और कंपैरिजन मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया इन दोनों के बारे में, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि इन दोनों के बारे में हमें कंपैरिजन करके बताएं और आप बताएं कि आपको कौन सा सूटेबल लगता है इन दोनों में से। तो फ्रेंड्स मैं वैसे तो दोनों मेरे डिज़ाइन हैं तो मैं तो इन दोनों किसी को बुरा नहीं कह सकता, बट मैं फिर भी प्रेफर करूँगा कि अगर मैं अपने लिए कुछ चूज़ करूँ इन दोनों में से तो आई विल चूज़ दिस वन, ठीक है। मैं अपने लिए ये चूज़ करूँगा, मतलब कि आईसी बेस्ड जो सर्किट है अच्छा डिज़ाइन के अलावा मैं वो यूज़ करूँगा, वो चूज़ करूँगा, और एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो ट्रांजिस्टर बेस्ड है उससे। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप वो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं।
So guys, thanks for watching. Goodbye.